हेलो दोस्तों, माय नेम इज जेडन, यू आर वाचिंग जेडन ऑक्सफोर्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। कल रात को मैंने वीडियो बनाया था इंट्राडे टेक्निक्स के लिए कि क्रिप्टो करेंसी में इंट्राडे टेक्निक का यूज करते हुए किस प्रकार कमा सकते हैं, और एकदम आसानी से मैंने समझाया था। उस पर मेरे को रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा अच्छा मिला, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। आप आज शाम को या कल सुबह तक इसका एक पार्ट और आने वाला है, तब तक आप नॉर्मली प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हाँ अभी जा रहा है या नहीं जा रहा। पैसा लगाकर आपको नहीं देखना है, थोड़ा बहुत ऐसा देख सकते हैं कि हाँ सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, केवल देखना है, ठीक है। कल वाला वो पार्ट आ जाए उसके बारे में उसमें कुछ कॉशंस वार्निंग्स बताई हुई है, वो सारा कुछ देखकर उसके बाद में आप इसमें गो ऑन कर सकते हैं। तो यहां पर देख लेते हैं, एक कॉइन है आईसीपी नाम से, 21 नंबर पर इसका रैंक चल रहा है। मैंने पर्सनली आईसीपी लेकर रखे हैं और प्रूफ के लिए आपको बता भी देता हूं, आईसीपी मैंने काफी मात्रा में यहां पर लेकर रखे हैं, थोड़े बता देता हूं। अराउंड देख सकते हैं मैंने लगभग 10 आईसीपी यहां पर लेकर रखे हैं। अब इसका कारण क्या है, अराउंड देख सकते हैं 9.68 आईसीपी है, अराउंड 31,000 में मैंने लिए थे, 9-10 लगभग। अब इनका कारण क्या है मेरा लेने का, ठीक है। और कोई भी मैं चीज होता हूं बिना सोचे समझे तो मैं लूंगा नहीं। आईसीपी का मेन रीजन है, जब बिटकॉइन अपने ओरिजिनल फॉर्म में था अराउंड $64,000, ठीक है, तो आईसीपी ने यहां पर देख सकते हैं अराउंड हाई बनाए हैं। आप देख सकते हैं इसका जो हाई है अराउंड 54,000 तक गया हुआ है, ठीक है, और लो इसका था अराउंड मात्र 1494, मतलब 1500 से स्टार्ट होकर अराउंड 55,000 तक यह गया है। अगर अभी इसके प्राइस का बात किया जाए तो मात्र यह चीज हमें मिल रही है 2500 में, अराउंड $33 या $32 में यह अराउंड मिल रहा है, लगभग $32 के आसपास यह है अभी चीज हमें मिल रही है, ठीक है। जब मार्केट थोड़ा सा हाई था तो मैंने सोचा था अभी मार्केट जाने की नीचे की संभावना ही नहीं है, मैंने लिया था अराउंड $43 पर, यह क्वांटिटी ली थी अराउंड $43 पर लिया था। और सो सकते हैं $43 9.68 आपको करके बता देता हूं कितने यहां पर होते हैं, वो भी थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं कि मेरा कितना लगा था और आपके कितने लगेंगे, ठीक है। $43 का अराउंड एक लिया था और 9.68 है, 9.68, तो मेरे को देख सकते हैं अराउंड $416 यहां पर पे करने पड़े थे, अराउंड देख सकते हैं $416, मतलब यहां पर 31,000 रुपए आराम से मुझे पे करने पड़े थे, ठीक है। अभी यह सेम चीज आपको मिल रही है अराउंड $32 में, ठीक है। और अगर आप 10 क्वांटिटी भी लेते हैं, ठीक है, तो आपको मात्र $320 यहाँ पर पे करने पड़ते हैं, मतलब यहाँ पर मात्र 23,000, मेरे से अराउंड 8,000 रुपये आपको कम पे करने पड़ रहे हैं, और उसका प्रॉफिट और ज़्यादा तगड़ा होगा, ठीक है। अब कैसे, क्योंकि सबसे पहली बात है इसने बनाया है 54,000 का हाई जब बिटकॉइन अपने ओरिजिनल फॉर्म में गया है। आईसीपी कंप्यूटर खुद की ब्लॉकचेन पर काम करने वाला कॉइन है, यहाँ पर नीचे देख सकते हैं इसकी कोई ब्लॉकचेन नहीं लिखी हुई, आईसीपी कंप्यूटर की खुद की ब्लॉकचेन है, खुद का सिस्टम है, नेटवर्क है, ठीक है। वॉचेस अराउंड देख सकते हैं 1,33,000, थोड़ा और नीचे अगर आपको बताऊँ, और कई लोगों ने यहाँ पर बाय किया है जो मेरे खुद पर्सनली यहाँ पर मेरे को किसी ने कॉल करके पूछा है, तो यहाँ पर मैंने उनको आईसीपी सजेस्ट किया, क्योंकि आईसीपी का ट्रेडिंग वॉल्यूम अराउंड देख सकते हैं 91 से लेकर 100% तक है, मतलब इसमें बाइंग बहुत लोग ज़्यादा कर रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा सेल पर मिल रहा है यह कॉइन। अभी अराउंड थोड़ा सा पहले गया था $28, थोड़ा सा हो सके वेट कर सकते हैं, अराउंड जब $30 पर आए तो आप बेफिक्र होकर एंट्री ले सकते हैं, लेकिन एंट्री किन्हें लेनी चाहिए ये भी एक चीज़ आपको मैं आज क्लियर कर देता हूँ। जिन लोगों में पैसेंस है भाई, ठीक है, कि हाँ हमें पैसा निकालना है, पैसेंस है वही एंट्री लेना, वरना कोई भी एंट्री मत लेना, सिंपल सी बात है। फालतू मार्केट थोड़ा सा नीचे होगा पैनिक होकर गाड़ियां निकालोगे कोई मतलब नहीं बनेगा, वही बात है। यहां पर थोड़ा अगर नीचे आके बताऊं तो मार्केट कैप देख सकते हैं अराउंड इसका 12-12.5% ऊपर चल रहा है, यस्टरडे का चेंज है अराउंड 17% प्लस में है, और आज का देख सकते हैं अराउंड 13% है, मतलब दो दिनों में मात्र 30% का प्रॉफिट इसने निकाल कर दिया है। ऑल द टाइम लो से यहां पर 63% ऊपर है, पर ऑल द टाइम हाई से 95% नीचे चला गया, मतलब आपको जब ऑल द टाइम हाई पर था तब आपको एक कॉइन के लिए ₹100 देने पड़ रहे थे, एग्जांपल के रूप में बता रहा हूं, ठीक है, ₹100 देने पड़ रहे थे, और अभी मात्र आपको ₹5 देने पड़ रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट इसी को तो कहते हैं, जब वह चीज सेल में मिले तो उसे खरीद कर रख लीजिए, इसे कह दिए सीजन मार्केटिंग। जब सीजन आएगा मार्केट बढ़ेगा हमारा वापस हरिया भरिया होगा बाग, उस टाइम बेच रहना वापस। सर्कुलेटिंग सप्लाई देखिए बहुत 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 ज्यादा इसका कम है, काउंट करके देखेंगे तो भी एकदम यहाँ पर अपडेटेड चीज यहाँ पर हमें सामने बताई हुई है, मात्र 13,68,99,214 आईसीपी है मात्र, और उसकी मैं पक्की गारंटीड से कह सकता हूं कि ये आने वाले समय में अराउंड 2-3 लाख से भी ऊपर ट्रेड करेगा आसानी से। इथेरियम क्लासिक का मैं कह सकता हूं बहुत तगड़ा ट्रेड करेगा, इथेरियम का कह सकता हूं आसानी से 5-10 लाख से ऊपर जाएगा, और बिटकॉइन अराउंड 1 करोड़ तक तो आसानी से मेरे को प्रेडिक्शन है कि इतना तो पक्का जाएगा ही जाएगा। तो सोच सकते हैं जब इनका इस प्रकार से वॉल्यूम होगा तो यह किस प्रकार कदर काम करने वाले हैं। ऑल द टाइम हाई से अगर बताया जाए, कल परसों का बात किया जाए तो 98% नीचे आ चुका था
अराउंड ही है, ठीक है। अभी वापस इसने धीरे धीरे कवर करना स्टार्ट किया और जैसे ही बिटकॉइन अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आएगा तब हमें बहुत तगड़ा यहाँ पर रिटर्न देखने को मिलेगा। इंट्राडे के लिए भी ऐसे भी बहुत ज्यादा अच्छा है, अराउंड $28 पर आए या $30 पर आए तो उस पर खरीद कर और आसानी से $100 में हमें, जैसे मैंने कल एक ट्रिक बताया था, अगर आपको नहीं देखा है तो कल वाली जस्ट एक ट्रिक है डोजकॉइन वाली, उस पर जाकर ट्रिक देख सकते हैं, उसमें भी मैंने $3 कमाने बताए, ठीक है। तो इसमें भी आप $3 कमा सकते, जरूरी नहीं है वही कॉइन लें, आईसीपी भी ले सकते हैं। आईसीपी भी जैसे हमने $100 डाले, ठीक है, $30 ठीक है, तो $100 डाले, $100 में हमें लगभग अराउंड 3 कॉइन यहां पर मिल गए, 3 कॉइन में हमें मात्र $3 कमाने, तो आसानी से यहां पर कमा सकते हैं। आईसीपी 28 से जैसे 29 आएगा सेल ऑर्डर लगा दीजिए, वहां पर $3 कमा लिए। कॉइन कोई भी हो, ग्राफ आना चाहिए आपको, एमएसडी वाला इंडिकेटर सीख गए ना तो बस वो काम एकदम मस्त कर देता है आपका। तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो, कि किसी ने कहा था कि आईसीपी पर बना दीजिए इसलिए वीडियो ऑन डिमांड है, तो आईसीपी पर मैंने वीडियो बनाया है इसीलिए, क्योंकि आईसीपी मुझे खुद ने अराउंड सबूत दिया आपको कि मैंने अराउंड 9.68 इसका क्वांटिटी लेकर रखा है 31,000 में और 7,500 का मेरे को होल्डिंग में लॉस हो रहा है, मतलब अगर मैं इसको सेल नहीं करूंगा तो वो मेरा लॉस है ही नहीं, और जब मार्केट वापस बढ़ेगा तो आसानी से यहां पर मैं बेच दूंगा। तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो अबाउट द आईसीपी, अगर अभी भी एंट्री लेना चाहते हैं तो भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा बिटकॉइन का ग्राफ देख लीजिए, हल्का सा अगर नीचे आ रखा है तो ले सकते हैं, अगर ऊपर जाके रखा है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, थोड़ा सा और नीचे आ जाए उसके बाद में एंट्री ले सकते हैं अराउंड 28 या 29-30 डॉलर पर। और अगर थोड़ा और टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हैं तो फोन बस सपोर्ट रेजिस्टेंस जिनको आते हैं वो लगाकर देख सकते हैं कि और नीचे जाएगा या नहीं जाएगा, और ज्यादा एनालिसिस का कोई ज्यादा मतलब नहीं है, जाना है उतना जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये थी हमारी वीडियो, अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जहां पर एक दो दिनों में कॉन्टेंट अवेलेबल हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।